हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने वाले हैं जिसे बीचेस का देश कहा जाता है। यहाँ का नीला आसमान, समंदर का नीला पानी और सफेद धूल इस देश को हद से ज्यादा खूबसूरत बनाती है। यहाँ की हरियाली देखकर किसी का दिल खिल उठेगा। ये देश जानवरों का देश है, जहाँ इंसान से ज्यादा जानवर रहते हैं। एक ऐसा देश जिसके 91% हिस्सों में सिर्फ पेड़ पौधे लगे हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक खतरनाक सांप भी इसी देश में पाए जाते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड के क्रिमिनल्स को किसी जमाने में काला पानी की सजा के लिए भेजा जाता था। एक ऐसा देश जहाँ की झील का पानी गुलाबी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया देश की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ऑस्ट्रेलिया के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है द कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। देश की कुल आबादी है 2,57,00,000 के आसपास। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की 86% पॉपुलेशन शहर में रहती है, जबकि सिर्फ 14% पॉपुलेशन ही गांव में बसी हुई है। देश की औसतन उम्र है 37 साल, यानी कि ये देश न तो बहुत बूढ़ा है और न ही जवान। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मेलबर्न है या सिडनी, लेकिन आपको बता दें कि इस देश की कैपिटल सिटी है कैनबरा। लेकिन क्या आपको पता है कि कैनबरा शहर को ही ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी क्यों बनाया गया? बड़े शहर तो सिडनी या मेलबर्न भी थे। आपको हंसी आएगी वजह जानकर, क्योंकि सिडनी और मेलबर्न आपस में लड़ने लगे कि हमें देश की राजधानी बनाओ। ऐसे में डिसाइड किया गया कि दोनों में से किसी को नहीं बनाएंगे, तो तभी कैनबरा ने बाजी मार ली। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को द लैंड ऑफ बीचेस भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस देश के एक बीच को एक दिन में घूमेंगे तो आपको कुल 27 साल लग जाएंगे देश के सारे बीचेस को देखने में। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस देश में कितने बीचेस हैं। वैसे आपको बता दें कि यहाँ की बीचेस भी इतने बड़े होते हैं कि आप इन्हें देखकर चौंक जाएंगे। यहाँ की बीचेस दुनिया में सबसे खूबसूरत है। और जहाँ तक बात हो यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स की, तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बेहतरीन जगह है वाटर स्पोर्ट्स के मामले में। यहाँ पर एक से बढ़कर एक एक्टिविटी करने को मिलती है। सर्फिंग यहाँ का सबसे पॉपुलर एक्टिविटी है। हालांकि ये कई बार लोगों के लिए खतरनाक भी साबित हुआ है, लेकिन फिर भी लोग इसे पसंद करते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में 200 से ज्यादा अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें से 45 तो देसी लैंग्वेजेस हैं। वैसे भी इस देश में 30% लोग दूसरे देश से ही आकर बसे हैं, इसीलिए यहाँ कई सारी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। क्या आपको पता है कि ग्रीक देश के लोग अपने देश के बाद सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही देखे जाते हैं? मेलबर्न शहर की कुल जनसंख्या का 60% लोग ग्रीक से हैं। दोस्तों, ये बहुत ही दुखी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। बाकी देशों के मुताबिक यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत ही कम है। जी हाँ, यहाँ की लिटरेसी रेट सिर्फ 44% है, जो कि बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उन देशों में आता है जहां औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। आपको बता दें कि ये दुनिया का दूसरा देश बना जिसमें महिलाओं को 1902 में वोटिंग राइट दिया गया था, आज से लगभग 118 साल पहले। वैसे दोस्तों, आपको ये बात बता दूं कि इस देश में इंसान कम और जानवर ज्यादा रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, तो तकरीबन 15 करोड़ भेड़ है, यानी कि एक इंसान पर 6 भेड़। भेड़ की तरह यहाँ कंगारों की संख्या भी इंसानों से ज्यादा है। आपको सुनकर डर लगेगा कि इस देश में ही दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्विट्जरलैंड के मुकाबले कहीं ज्यादा स्नोफॉल होता है? ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन आल्प्स एक पहाड़ी एरिया है जहाँ स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा स्नोफॉल होता है। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया का सबसे खूबसूरत शहर है, जिसे फॉक्स सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में हर जगह लोमड़ी दिख जाती है। मेलबोर्न शहर में आपको सब कुछ परफेक्ट मिलेगा। यहाँ के रोड से लेकर यहाँ का टाउनशिप सब कुछ टॉप क्लास। तभी तो दोस्तों, ये शहर लगातार 3 साल तक बेस्ट सिटी फॉर लिविंग का टाइटल जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया वाइन प्रोडक्शन में बहुत आगे है। यहाँ की वाइन दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। इस देश में 60 डिजिग्नेटेड वाइन रीजन बनाए गए हैं, और ये देश एक साल में 1.35 ट्रिलियन बोटल्स वाइन बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों का सबसे पसंदीदा ड्रिंक है बियर। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉग ने 11 सेकंड में 1.18 लीटर बियर पीकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ऑस्ट्रेलिया मीट का भी बड़ा एक्सपोर्टर है। सऊदी अरब में सबसे ज्यादा ऊंट का मीट ऑस्ट्रेलिया से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया भेड़ का मीट भी साउथ अमेरिकन देशों में खूब एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, दुनिया के कुछ ही देश ऐसे हैं जहां पर हर एक इंसान को स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना पड़ता है।
ऑस्ट्रेलिया में स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ आपको लगभग हर बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट या टेनिस खेलते हुए दिखेंगे। इसी वजह से इस देश को खेल की राजधानी कहा जाता है। यहाँ की 70% पॉपुलेशन हर हफ्ते किसी न किसी खेल में भाग लेती है। यहाँ हर सैटरडे और संडे लोग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स खेलते हैं। अगर आपको गैम्बलिंग से प्यार है, अगर आप चाहते हैं कि किस्मत पर भरोसा करके रातों रात आप बन सकते हैं करोड़पति, तो ऑस्ट्रेलिया है आपका ड्रीम डेस्टिनेशन। यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा गैम्बलिंग खेली जाती है। 80% ऑस्ट्रेलियन गैम्बलिंग में जुटे रहते हैं और साथ ही दुनिया का 20% पोकर मशीन भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा लेक यानी झील है जिसका रंग पिंक है, यानी कि गुलाबी। इस लेक का नाम है लेक हिलर। आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये लेक का रंग गुलाबी क्यों है, लेकिन जिस भी कारण से ये गुलाबी क्यों न हो, इससे फायदा तो बहुत हो रहा है देश के लोगों को, क्योंकि इस लेक को देखने के लिए दूर दूर से टूरिस्ट्स आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा आइलैंड जहां पर इंसान नहीं बल्कि केकड़े रहते हैं। इस आइलैंड का नाम है क्रिसमस आइलैंड। नवंबर के समय में केकड़े इस कॉन्टिनेंट पर पहुंचते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, और यहां का नजारा ही बदल जाता है। जब केकड़े इस आइलैंड पर जाने के लिए शहर से सड़क क्रॉस करते हैं, तो उस समय ट्रैफिक रोक दी जाती है। आप सोचिए, एक साथ जब इतने सारे केकड़े निकलते होंगे तो यहाँ का नजारा कैसा होगा। अच्छी बात है कि इन क्रैब्स के लिए भी यहाँ पर स्पेशल रास्ते और फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं। चलिए इसके साथ आपको और एक मजेदार बात बताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर हर साल वर्ल्ड चैंपियन ऑफ कॉकरोच रेसिंग का इवेंट करवाता है। जी हाँ दोस्तों, कॉकरोच की इस रेस में लोग सट्टा लगाते हैं और जिसका कॉकरोच जीत जाता है वो माला माल हो जाता है। खाने के मामले भी ऑस्ट्रेलिया बहुत शौकीन है। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल फूड है रोस्ट लैम। यहाँ के लोग मीट के दीवाने हैं। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं कि इस देश में आप कौन कौन सी जगह घूमने जा सकते हैं, साथ ही बताएंगे वीजा प्रोसेस और आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आप बस जुड़े रहिए हमारे साथ। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी सबसे बड़ा और सबसे लोकप्रिय शहर है, और अकेले यहाँ ही कई दिलचस्प टूरिस्ट लोकेशंस मौजूद हैं। सबसे मशहूर है सिडनी ओपेरा हाउस, जिसे डच आर्किटेक्ट जॉन उज्जो ने डिजाइन किया है। यहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। दिल चाहता है फिल्म याद है आपको। सैलानियों को बैक स्टेज और फ्रंट दोनों में जाने और देखने की इजाजत है। इसके अलावा सिडनी में हंटर वैली विंड्रीज, हार्बर हाईलाइट क्रूज, डार्लिंग हार्बर, पर्द मरीन एक्वेरियम, जैनोल केव्स और कई पर्यटन स्थल देखने लायक हैं। नेक्स्ट इज कंगारू आइलैंड। दोस्तों, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का मूल निवासी है और ये ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट का प्रतीक है, क्योंकि कंगारू हमेशा आगे की ओर ही चलता है, कभी पीछे नहीं चलता। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल भी है। अगर आपको कंगारू देखना है तो चलिए आइए कंगारू द्वीप। यहाँ आप कंगारू के अलावा डॉल्फिन, सी टाइगर, पेंगुइन, ईगल, वेल भी देख सकते हैं। यहाँ का भी नजारा बहुत ही कमाल का होता है। नेक्स्ट इज ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ का छिछला और साफ पानी सबको हैरान कर देता है। आमतौर पर इस रीफ को देखने और यहाँ डाइविंग का मजा लेने दुनिया भर से पूरे साल लाखों लोग पहुँचते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से जून तक माना जाता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ मौसम साफ रहता है जिसमें पानी में दृश्यता अच्छी मिलती है। ग्रेट बैरियर रीफ खासतौर पर डाइवर्स की जगह ही मानी जाती है और इसे डाइवर्स का स्वर्ग भी कहा जाता है। पानी के अंदर नमक बहुत कम है और ये इतना साफ है कि आर पार देखा जा सकता है। हालांकि आप चाहे तो डाइविंग या गोताखोरी के बजाय यहाँ सेलिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। नेक्स्ट इज तस्मानिया। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर और प्राकृतिक रूप से समृद्ध तस्मानिया छुट्टियां बिताने के लिए बेहतरीन जगहों में से एक है। यहाँ का इतिहास और यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। शानदार बीच से लेकर पहाड़ और झीलों तक यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। तस्मानिया वाइल्ड लाइफ के लिए शौकीनों की फेवरेट जगह है। यहाँ उस वक्त के तमाम ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं, जब तस्मानिया ब्रिटिश अपराधियों के लिए सबसे बड़ी जेल हुआ करता था। अगर आपको ऐतिहासिक जगह घूमने का मन है तो आप तस्मानिया जरूर आए। नेक्स्ट इज काकाडू नेशनल पार्क। दोस्तों, काकाडू नेशनल पार्क को ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। समुद्र तट से दक्षिण में 200 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। काकाडू नेशनल पार्क में 300 विभिन्न प्रजातियों के पक्षी, आदिवासी रॉक आर्ट, शानदार झरने, नदियां, घाटियां, मैंग्रोव दलदल के साथ साथ वन्य जीवों की शानदार विविधता जैसी दीवार भी, खारे पानी की मगरमच्छ और डिंगो जैसे वन्य जीवन और स्थानीय वनस्पति की समृद्ध विरासत है। ये करीब 500 एबोरिजिनल ट्राइब्समैन का भी घर है। नेक्स्ट इज फ्रेजर आइलैंड। फ्रेजर आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा सैंड आइलैंड और दर्शनीय स्थलों का एक प्रमुख हिस्सा है।
ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे अनोखे फोर व्हील एडवेंचर के लिए जाने जाते हैं जो काफी रोमांचकर होते हैं। फ्रेजर आइलैंड मार्च में ऑस्ट्रेलिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। उस समय यहाँ का मौसम बहुत सुहावना होता है। नेक्स्ट इज कार्लटन गार्डन। कार्लटन बिल्डिंग ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड हेरिटेज साइट और खूबसूरत टूरिस्ट अट्रैक्शन है। 18वीं सेंचुरी में बनाया गया कार्लटन गार्डन ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट अट्रैक्शंस के रूप में मौजूद सबसे पुराने स्थलों में से एक है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सफर करने के लिस्ट में सबसे ऊपर है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आपको बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 20 दिन के अंदर मिल जाएगा। आपको ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए लगभग 1,42,000 रुपए खर्च करने होंगे पर हेड। यहाँ पर डॉलर करेंसी के रूप में चलता है। तो दोस्तों, ये था ऑस्ट्रेलिया। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।